कपकोट के पुल बाजार में नदी किनारे बैठा व्यक्ति सरयू नदी में बह गया। ग्रामीण को बहता देख वहां मौजूद नेपाली युवक ने नदी में छलांग लगा दी तथा बहते ग्रामीण को बचा लिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ग्राम पोथी निवासी 40 वर्षीय त्रिलोक सिंह गढ़िया पुल बाजार के समीप नदी किनारे बैठे हुए थे। चक्कर आने के कारण वह सरयू नदी में गिर गई तथा तेज बहाव में बहते चले गए। वहां मौजूद नेपाली युवक दीपक कार्की ने उन्हें बहता देख नदी में छलांग लगाई तथा अपनी जान पर खेलकर उन्हें नदी से बाहर निकाल लिया। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया। इधर लोगों ने बताया कि इस स्थान पर अब तक कई ग्रामीण नदी में गिर चुके हैं, लोगों को खतरा बना हुआ है। क्षेत्रीय जनता ने प्रशासन से लोगों की सुरक्षा के उपाय किए जाने की मांग की है। 3:30 बजे के आसपास हमारे गांव वोथिंग के लोग सिंह गढ़िया जी हैं, जो ये करीबन गाड़ी का इंतजार कर रहे थे यहाँ पे वोथिंग के लिए, और ये पैराफिट में बैठे थे। पता नहीं अचानक से गस आने खाने के कारण ये नदी में गिर गए और करीबन 100 या 200 मीटर करीबन ये बहाव में आए और एक नेपाली मजदूर के द्वारा इनको बचाया गया। यहाँ पर आज तक कई घटनाएं हो चुकी हैं, फिर भी यहाँ पर शासन प्रशासन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाते आ रहा है और आगे भी भविष्य में इसमें कोई अनहोनी और होनी बाकी है। पिछले बार भी अभी कुछ नहीं, एक महीने पूर्व ही एक नेपाली मजदूरी यही नज़दीक में हुआ था, और इससे भी पूर्व एक वर्ष पूर्व हमारे कपकोट गांव के एक नया लड़का यहाँ से गिरा और उसकी कैजुअल्टी हो गई थी। शासन प्रशासन को कई बार अवगत कराने के बाद इस पर कोई ध्यान दिया नहीं जा रहा है। मैं नदी किनारे पत्थर में बैठा था, मैंने बहते हुए देखा, वहां से देखा तो फिर एक बंदे ने बताया कोई आदमी बह रहा है, तो फिर मैंने सामने देखा था, वहां से मैंने कूद मार के किनारे कर दिया। अच्छा, तो जब वो बीचों बीच बहते आ रहा, तुमने उसे बचाया? कैसे बचाया? तो वो डूब ही गया था, डूबने के बाद मैंने फिर उसको ऊपर करके उसको किनारे किया। तो उसके बाद क्या किया? उसके बाद थोड़ा पानी हमें निकला, उसके पेड़ से पानी निकाल दिया, CCN News के लिए कपकोट से तनुज तिरुवा की रिपोर्ट।